69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश में गणतंत्र धूमधाम के साथ मनाया गया। सरकारी दफ्तर हो या फिर शिक्षा के मंदिर या गली मोहल्ले, सभी स्थानों पर तिरंगा फहराकर इस पर्व को मनाया गया। नगर निगम दफ्तर पर भी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया गया। महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त के साथ निगम कर्मचारी पार्षद सभी ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर सभी ने गणतंत्र की शुभकामनाएं दी तो वहीं मंच पर बोलते हुए सभी वक्ताओं ने महानगर पर विशेष बल दिया। 69वें गणतंत्र दिवस पर सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। गंदगी ना करूंगा और ना ही करने दूंगा का प्रण भी दिलाया गया। नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने कहा कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है और इस दिन हमें कोई ना कोई संकल्प अवश्य लेना होगा, इसीलिए गंदगी ना करने की शपथ दिलाई। तो इस शहर को साफ होने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक कसम और खा लीजिए हमारे साथ, ना मैं गंदगी करूंगा और ना करने दूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो वही महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि शहर का नाम स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ है, इसीलिए शहर को स्मार्ट बनाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से कार्य करना होगा। हमारे देश का भविष्य आने वाले नौजवानों के हाथ में सुरक्षित है। हमारे देश के युवा आज आईटी के सेक्टर में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। देश आज तरक्की कर रहा है, मेरा भारत बदल रहा है, मेरा प्रदेश बदल रहा है, मेरा मुरादाबाद आगे बढ़ रहा है। आज महानगर मुरादाबाद पिछले 5 वर्षों में लगातार स्मार्ट सिटी के लिए स्वर्गीय महापौर श्रीमती वीना अग्रवाल जी के प्रयासों से आज उनके सपने को पूरा करते हुए हमें हर्ष की अनुभूति हो रही है। हमारे मुरादाबाद का प्रत्येक नागरिक बधाई का पात्र है, जिन्होंने आगे बढ़कर सर्वेक्षण में अपनी राय दी, अपने मत को व्यक्त किया। चूंकि दिल्ली के अंदर जब इस सर्वेक्षण को नापा गया, मापा गया, तो मुरादाबाद के नागरिकों की सक्रियता भी, भागीदारी भी उसके अंदर काउंट की गई। बंधुओं, आने वाले 5 साल हम सबके हैं। हम सब संकल्प लेते हैं कि मुरादाबाद को मिलकर जागरूकता पैदा करेंगे, हर चीज को अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अगर हम अपेक्षा करते हैं कि हमें सब सुविधाएं चाहिए, तो उन सब सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों का भी हमें निर्वहन करना होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्मार्ट सिटी, अभी स्मार्ट सिटी केवल घोषित हुआ है, अभी हमें उसको बनाना है, उसको सजाना है, उसको संवारना है। इस सब के अंदर मेरे जितने भी यहाँ नगर निगम के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सब की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि वो निष्पक्षता के साथ इस सब कार्य को करेंगे, कड़ी मेहनत और लगन के साथ इस कार्य को करेंगे और हम अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। और आने वाले वर्षों में, जो 5 वर्ष में हमें स्मार्ट सिटी का लक्ष्य मिला है, उस सब को पूरा करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सब लोगों का आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और अखंड भारत के लिए एक बार फिर संकल्प दोहराता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा फहराने के बाद निगम सभागार में हवन और यज्ञ किया गया तथा दुआ कराई गई। सर्वप्रथम हवन यज्ञ पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न हुआ और शहर में शांति और अमन की कामना की गई। इस अवसर पर नगर आयुक्त, महापौर और निगम के अफसर तथा पार्षद भी मौजूद रहे। ओम आय नमः, बुधाय नमः, चराय नमः, राहुवे नमः, केतुवे नमः। अब गायत्री मंदिर याद है कि मनमोहन मिश्रम समर्पयामः।
तो वहीं मोहम्मद अली वारसी के द्वारा दुआ कराई गई और देश में अमन और शांति की कामना की गई। इस अवसर पर बताया गया कि गंगा जमनी की तहजीब मुरादाबाद है, इसीलिए यहां पर हवन भी होता है और दुआ भी कराई जाती है। ये सिलसिला लंबे अरसे से आज भी बरकरार है। या अल्लाह, हमारे मुल्क के अंदर जो भी बुरी नजर रख रहे हैं, या अल्लाह उनको हिदायत दे और हमारे मुल्क में हमेशा तरक्की होती रहे। या अल्लाह हमारे मुल्क को शिखर पर पहुंचा दे। या अल्लाह जो हमारे मुल्क के रहबर जो भी हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं उनको उसमें कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह उसके साथ साथ हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे रहबर हैं, जो वजीर आला हैं, हमारे यहाँ के वजीर जो भी जितने भी वज़रा हैं, या अल्लाह वो जिस भी काविश में लगे हुए हैं, जिस मेहनत में लगे हुए हैं, ऐ परवरदिगार उनको उसमें कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह खास करके मुरादाबाद के अंदर हमारे नगर प्रमुख जी मेयर साहब और हमारे नगर आयुक्त महोदय और जितना भी आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो जिस जिस काविश में लगे हुए हैं, जिस मेहनत में लगे हुए हैं, या अल्लाह उन सबको उसमें कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जो हमने ख्वाब देखे हैं, या अल्लाह हमारी मेयर साहिबा ने जो ख्वाब देखे थे, या अल्लाह तो उसको पूरे फरमा। या अल्लाह जो प्रपोजल पास हुआ है, या अल्लाह आने वाले दिनों में हमारा शहर मुरादाबाद जिसके लिए बेपनाह मेहनत की जा रही है, शायद मैं समझता हूँ नगर आयुक्त जी और प्रमुख जी और लोग शायद रात में 3-4 घंटे सो पाते होंगे, या अल्लाह उनकी इसकी मेहनत का सिला अदा करना। या अल्लाह इस शहर को बेहतरीन किस्म का शहर बना। या अल्लाह जिस जिस जगह पर जिस जिस फील्ड में जो जो आदमी काम कर रहा है, या अल्लाह उस सबकी हिफाजत फरमा।